अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं देसी गुलाब पर। आइए इसको निकाल के देखते हैं। ये देसी गुलाब है। देसी गुलाब दो तरह के होते हैं, एक कांटों वाला जिसमें इस जगह पे बेतहाशा कांटे होंगे, और ये देखें ये देसी है, इस पर कांटे नहीं है। ये मैं लेकर आया हूँ अभी। अच्छा, कांटों वाले की जो पहचान होती है वो ये होती है कि वो फूल नहीं देगा, एक तो बहुत कम इक्का दुक्का फूल आएंगे और उसमें बेताशा कांटा होगा। जबकि देसी गुलाब ये आपको 12 महीने फूल देता है, और गर्मियों में अलबत्ता इसमें कुछ कम हो जाते हैं जून जुलाई के महीने में, लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना आता है ये फिर भर के आना शुरू हो जाता है। अभी चूँकि ये बाहर का मौसम है, फरवरी का एंड चल रहा है, मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है जी व्यूअर्स, तो ये जो है इसकी एक तो देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब में फ़र्क भी बता दूं आपको। इसके पत्ते जो होते हैं छोटे होंगे, देखें ये साइज़ के होंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने कटिंग से अभी नवंबर में लगाया था, और इसका आप रिज़ल्ट देख लें, ये अभी फरवरी चल रहा है माशाल्लाह से, इसके अंदर ये देख लें आप। और ये पहले भी फूल आ चुके हैं जो मैंने हटा दिए हैं, ये अभी और आ रहे हैं। तो ये देसी है, ये साइज़ होगा फूल का। जबकि इंग्लिश गुलाब के जो पत्ते होंगे वो बड़े होंगे और उसका फूल भी बड़ा होगा, लेकिन इंग्लिश गुलाब में खुशबू नहीं होती। ठीक है, और इसी तरीके से जो जंगली गुलाब होगा ना, वो इस टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके पत्ते अगर आप ये देखेंगे ना, ये छोटे होंगे पत्ते, और उस पर कांटा बेतहाशा होगा। और इंग्लिश गुलाब पे ये भी बता दूँ आपको कि फूल बाज़ औक़ात आते ही नहीं है, सालों नहीं आते, और कभी आ गए तो मेरा मशवरा आपको यह है कि आप देसी गुलाब लगाएं। जब भी लगाएं, देसी गुलाब की खूबी अलग है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि 12 महीने चलेगा। ये सिर्फ जून जुलाई के महीने में आपको ज़रा इसकी अगर आप सही देखभाल करेंगे तो उसमें भी आपको फूल मिलेंगे। अब मैं इसको लगा रहा हूँ, क्योंकि ये देखें इस बिल्कुल सूखी पड़ी है। ये इसको सिंपल मैं जो है सिर्फ मट्टी में और थोड़ा सा राइस हस्क मिला रहा हूँ, और अभी कुछ भी नहीं दे रहा इसके साथ में। ये देखें इससे भी गमला है, और कुछ नहीं लगा रहा मैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैंने ये डाल दिए। ये हमारे छोटे सांप भी आ जाते हैं ऊपर, और ये हमें बहुत तंग करते हैं भाई। इन्हें कार्टून देखना होता है, इनका नेट यहाँ पे जो है छत पे हमारी आ नहीं रहा होता है सही, तो ये हमें आके बीच में तंग करते रहते हैं। ये लीजिए, ये मैंने इसको सिंपल कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके अंदर मैंने बालू मट्टी और थोड़ा सा राइस खस, ताकि मट्टी नरम रहे, और चूंकि गर्मी के दिन है तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है जी, ये पटका जितनी मट्टी बैठनी थी देखें ये बैठ गई। मैं थोड़ी सी मट्टी और दे दूं। ये मैंने इसको अब सिंपल पानी दे दिया। अब इंशाल्लाह देखिएगा ये 15-20 दिन में इसके अंदर शूटिंग शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी ब्रांचेज इसमें निकलना शुरू हो जाएंगी, बल्कि हो सकता है शायद इसमें हो भी अभी, अगर गौर से देखें आप। हाँ, इक्का दुक्का ये है। ठीक है जी, आखिर में फिर मेरा वही सवाल कि अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर दबाइए ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।